आज माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा जी के नेतृत्व में और उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई मंत्रिमंडलीय बैठक में महिला सशक्तिकरण, दिव्यांग एवं वृद्ध जन कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। विधानसभा चुनाव से पहले आपनों अग्नि राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिला की न्यूनतम 33% भर्ती सुनिश्चित की जाने का वादा किया था। इसी क्रम में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का आज मंत्रिमंडलीय बैठक में अनुमोदन किया गया। अब कार्मिक विभाग के स्तर से इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। मुझे आपको यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि इस संशोधन के साथ हमारी सरकार के संकल्प पत्र 2023 में प्रदेशवासियों से किए गए एक एक वादे को पूरा कर दिया गया। इसी निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे महिलाओं से जुड़े मामले में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ काम करेगी। आज की बैठक में हमने राज्य सरकार के कार्मिकों के हित में और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्यों के नहीं होने पर स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चे और बच्चों को आश्रित माता पिता और विशेष योग्य भाई बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ में जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेंशनों को राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी। इस क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 54B को प्राथमिकता दिए जाने की मंजूरी आज कैबिनेट ने दी गई है। हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सभी भाइयों और बहनों, आज यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उस महत्वपूर्ण निर्णय में महिला सशक्तिकरण, वृद्धजन, दिव्यांग इनसे संबंधित जो दो घोषणाएं उसके जानकारी हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा ने आपको दी और साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि एक संकल्प हमने और पूरा किया। पिछली बार हमने बताया 2 संकल्प पूरे किए, इस बार हमने 1 संकल्प और पूरा किया और हमारा जो संकल्प पत्र है आपनों राजस्थान अग्रणी राजस्थान, इसकी पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास हो रहे हैं। अब हम कुछ दिनों के बाद ये कह सकते हैं कि हमने करीब 50% संकल्प पूरे करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और आज के 2 संकल्प जो हमने पूरे किए हैं जिसकी जानकारी आप दी प्रेमचंद जी ने आपको विस्तृत रूप से दी है, ये महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते कदमों में एक और कदम है। हमारा संकल्प था कि पुलिस भर्ती में पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे और उसी को आगे बढ़ाते हुए
जब तक हम इसे संबंधित एक्ट में संशोधन नहीं कर सकते थे तब तक इस संकल्प पूरा होने वाला नहीं था। इसीलिए आज राजस्थान पुलिस अधीन सेवा नियम 1989 में संशोधन किया है और पुलिस में भर्ती में 33% हमारे महिलाओं का आरक्षण रहेगा। और इससे हमारा जो संकल्प था महिला सशक्तिकरण का ही नहीं, उससे आगे हमारा ये जो मैसेज है जिसमें हमने पंचायती राज में भी दिया, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी ने एमएलए एमपी को कह दो या लोक प्रतिनिधि अधिनियम कह दो, उसमें जो आरक्षण दिया उसी की कड़ी में आगे बढ़ाया। और दूसरा जो हमारे विशेष योगी जन है और इनके बच्चों में आश्रित माता पिता में पेंशन का जो पीपीओ जारी होता है उनमें इनके लिए प्रोविजन नहीं था। तो जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विशेष योगीजन होने पर और उनके नजदीकी रिश्तेदार जो हमारे हिंदू सक्रिय धारा 5-6 में आते हैं, प्रथम श्रेणी के जिसको लीगल भाषा में प्रथम श्रेणी के वारिस कहते हैं या द्वितीय श्रेणी के वारिस कहते हैं, वो नहीं होने की स्थिति में उनके पीपीओ में हम पहले से ही उनके सारे बच्चे हैं, एक से ज्यादा बच्चे हैं, आश्रित माता पिता है, उनका नाम पीपीओ में दर्ज होगा तो उनके पेंशन उठाने सकेंगे, इसका भी संशोधन किया है। और देश का विकास, प्रदेश का विकास, सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा और ऊर्जा पर निर्भर करता है। पिछली बार भी हमने आपको कहा था कि हमारा संकल्प है कि बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेंगे, हम किसानों को सन 2025 तक दिन में बिजली देने का संकल्प पूरा करेंगे। हमारे जो घरेलू उपभोक्ता है उनको 24 घंटे बिजली देने का संकल्प हम पूरा करेंगे। और हमारे जो उद्योगों में बिजली मिल रही है उसमें निरंतर निश्चित अवधि तक बिजली मिलती रहे इसके भी प्रयास करेंगे। और इसी क्रम में आज हमने प्रदेश को बिजली में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारा निरंतर प्रयास है उसकी 3150 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति हमने जारी कर दी। और इसमें क्रिस्टलाइज टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर होता है, एक ट्रैकर होता है कि जो आपकी प्लेट लगती है वो सूर्य की किरण की तरह इधर रहती है फिर इधर रहती है, एक किरण ट्रैकर घूमती है तो वो किरण के साथ साथ वो अपना आप ऊर्जा लेती रहती है, इसमें व्यवधान नहीं आता, रात्रि में तो नहीं मिलता लेकिन दिन में भी अगर सूर्य सुबह है तो आपकी प्लेट इधर लगी हुई है तो उधर वाले को नहीं मिलेगा, और शाम को होती है प्लेट इधर लगी हुई तो उधर वाले को नहीं मिलेगा। लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें वो घूमती रहे ऐसी सौर ऊर्जा का भी विकसित करने के साथ ही साथ आज जैसलमेर जिले के रामगढ़ में एक नवीन स्रोतों के साथ लगाई जाने वाली हमारी जो नवीन ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित करने की भूमि आवंटन की जो नीति है उसके तहत कुल अभी तक हमने 6877.66 हेक्टेयर भूमि के प्रोजेक्ट आवंटित कर दिए। और सर ये हेक्टर मेगावाट बिजली में ये जमीन 68.77.66 ये भूमि हमने विभिन्न कंपनियों को जो यहाँ प्रोजेक्ट स्थापित करेगी वो लगाएगी। और इसमें जो आपका जो प्रश्न था 3150 मेगावाट का जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए भूमि आवंटित की। आज हमने फतेहगढ़ की तहसील की भूमि में 150 मेगावाट की परियोजना लगाने के लिए 300 हेक्टेयर की भूमि आवंटन का अनुमोदन किया है। और ये अनुमोदन के साथ ही जो हमने टोटल आपको लैंड गिनाई है टोटल मेगावाट बिजली बताई उसकी क्षमता होती है। एक निर्णय आज की कैबिनेट ने और लिया है और वो निर्णय है कि हमारा वर्तमान में खेल चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान ने हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने बहुत अच्छा
उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और मैं आपकी मार्फत उन सबको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है और आपके मात्र में आज हमारे कभी उन सबको जिन्होंने हमारा गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, उनको बधाई दी है और हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको भी सेवाओं में 2% आरक्षण मिले ताकि खेलों के प्रति हमारे खिलाड़ी आकर्षित हो, हमारे विद्यार्थी आकर्षित हो और खेल खेलते समय उनको निश्चित रहे माइंड में कि मेरा रोजगार का अवसर भी इस खेल की वजह से बढ़ेगा। वैसे वो अपनी प्रतिभा से खेल नौकरी पाएगा लेकिन खेल की वजह से अगर 2% उसको आरक्षण मिलता है तो उसका एक रुझान उसके ओर निरंतर रहता है। इसीलिए हमने 2% आरक्षण देने का प्रावधान भी किया है, इसमें आपसे संशोधन भी जारी कर रहे हैं और साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए समय समय पर सेवा नियम में लैंग्वेज एपर्टी में जो जो जहां भी इनको रूल्स में संशोधन करने हैं वो संशोधन करके जिसमें अगर आप नोट करना चाहे तो राजस्थान लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी ये जो एक्ट था इसमें हमने पहले संशोधन नहीं कर पाए थे इसलिए आज इसमें संशोधन किया गया। साथ ही साथ राजस्थान एक्साइज लेबोरेटरी इसमें पहले संशोधन नहीं हुआ था। इन दोनों कैटेगरी में जो भी खिलाड़ी आते हैं हिंदियों में उनको भी ये लाभ मिलेगा और इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हमारे खिलाड़ी भी हमेशा खेलों के प्रति आकर्षित रहे, आगे बढ़े और उनको सरकारी सेवा में जाने में भी अवसर ज्यादा से ज्यादा मिले, ये मोटे मोटे तौर पर आज की कैबिनेट ने मिले भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ इन नियमों में आने वाले सभी वर्गों के, केवल खिलाड़ियों खिलाड़ियों के, हाँ हाँ सभी के उसमें तो इस नियमों में जो भर्ती है अधीन सेवा की है, अधीन सेवा को आप जान सके क्योंकि आर्थिक सेवा होती है पुलिस की, हाँ उसकी सेवा तक अलग अलग समय पर अलग अलग धर्मों को आवंटित किए। टोटल कितनी रैंक थी 6,000 बताई, बीता मेगावाट के लिए बताई, आज सिर्फ 150 मेगावाट के लिए 300 भूमि का प्रावधान आज आज दिखाई नहीं भी भूमि है। पटेल साहब गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं कि पर्ची सरकार है और एक जो ट्रक है वो गंगानगर से निकल के गुजरात तक पहुंच जाता है क्योंकि हर थाने में भर्ती बनी हुई है, मतलब जो उन्होंने कल बयान दिया है। आपका प्रश्न बहुत सही है और मेरा सभी मित्रों से निवेदन ये है कि जैसा मेरे मन में होता वैसा मेरे से बाहर आता। ये बंदी बंदे होना ये शायद कहीं ना कहीं उनके मन में पहले से है इसलिए बाहर आया। मेरे साथी है, मित्र है गोविंद जी, मैं इतना ही कहूंगा कि उनको कहीं न कहीं मन में एक स्वयं के साथियों से हो और किसी कारणों से वो जैव है और उनको बड़बोलेपन की आदत हो गई इसलिए वो जहां आते हैं अनावश्यक बोलते हैं। मेरा उनसे निवेदन है, प्रार्थना है, ज्यादा मेरा कहने का अधिकार नहीं, इतनी मेरी प्रार्थना है कि वो इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि वो प्रदेश नेशनल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष एक जिम्मेवार उनका स्टेटमेंट एक जिम्मेवारी का स्टेटमेंट होता है और अगर बिना जिम्मेवारी का स्टेटमेंट दिया जाता है, बड़बोलेपन का स्टेटमेंट दिया, बिना किसी मर्यादा के स्टेटमेंट दिया जाता है तो उसका कोई नहीं। ऐसे सभी कथनों का हम खंडन करते हैं और भर्त्सना भी करते हैं। चलिए ऐसा ही परीक्षा को लेकर भी कुछ डिस्कस हुआ कैबिनेट में, सर ऐसा ही परीक्षा को लेकर? परीक्षाएं निर्धारित अवधि पर समय समय पर होगी, कैलेंडर हम जारी कर रहे हैं, हमने बार बार निवेदन किया है और जो हमारा संकल्प है इस वर्ष 1,00,000 भर्ती का वो हम पूरी करेंगे और हमारा संकल्प है 4,00,000 की 5 वर्ष में भर्ती का, उस संकल्प को भी पूरा देखिए। मैंने पिछली बार आपसे निवेदन किया था, पुनः दोहरा रहा हूँ, स्थानांतरण नीति अभी हमारी प्रारंभिक स्टेज पर है, इसकी विभिन्न परीक्षाएं विभिन्न क्षेत्रों पर परीक्षा हो रहा है और जब फाइनल होगी तो हम आपसे निवेदन करेंगे समीक्षा होने के बाद में। परीक्षा
देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है, और जब बाढ़ खेत को खा जाती है तो उस खेत का रिकॉर्ड कोई नहीं होता। और जैसे स्टेटमेंट बाबूलाल जी कटारा का आए हैं कि मैंने ये पेपर रामू राम जी को दिया था, एक हफ्ता पहले था, अपना आपके माता हमको पता लगा है। और जब इतनी गंभीर स्थिति होती है तो आप सुनते हैं, और आप ये याद करें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का वो स्टेटमेंट कि अभी तो छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही है, बड़े बड़े मगरमच्छ भी बाहर आ रहे हैं, तब आपको पता लगा होगा धीरे धीरे बड़े बड़े मगरमच्छ भी बाहर आ रहे हैं। इस पर भी जो आपने प्रश्न रखा है उस पर भी गंभीरता से विचार हो, परंतु एक विषय भी है कि अनेक ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल पढ़ाई करने के उपरांत अपने मेहनत से इंस्पेक्टर बने होंगे, और अगर भर्ती दिल होती है तो उनके ऊपर भी होता है, दोनों पक्ष अच्छी जगह है, इसलिए सरकार इस पर पूरे विचार करने के उपरांत कोई नहीं लेगी। सचिन पायलट जी ने कहा वो अपनी जगह है, अपनी सरकार के कार्यकाल का दौरान वो नहीं कर पाए, उस कारण मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप कृपया ध्यान दें ये संवैधानिक पद है, संविधान में इसके प्रावधान जिस तरह से दिए हुए हैं वो किसी भी प्रदेश की सरकार को एकदम पुनर्गठन करने के अधिकार नहीं देता है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। और आप कहें तो कभी एक दिन रखे थे, मतलब पूरे आर्टिकल वाइज कितने कितने आज दिन तक तीन स्टेटों ने ऐसा प्रयास किया कि हम उसका पुनर्गठन करें या किसी सदस्य को हटा देवे, तो उसकी जो प्रक्रिया है अब तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद आती है, इसमें समय लगता है, इसीलिए पुनर्गठन करना जरूरी भी होता है लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया निभाने के उपरांत ही किया जा सकता है, बोलने से नहीं होता है। आप कभी सचिन पायलट साहब से वार्ता हो तो अवश्य पूछे कि साहब कौन सी प्रक्रिया के तहत कब किया जा सकता है। धन्यवाद। अभी कोई बात ही नहीं है, अभी तो जिले में कोई आज आज नहीं है, निश्चित आपको जल्दी जाएगा, हमको नहीं है। नए जिला के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने बिना किसी आधार नियमों से परे जाकर और जनहित के विरोध में, जन अपेक्षाओं के विरोध में कुछ जिलों का गठन किया। हमारी सरकार का एक संकल्प है कि हम पूरी पारदर्शिता से जनहित में और नियमों के अंदर रहकर इसकी समीक्षा करें, इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में एक एक्सपर्ट कमेटी मुकर की और एक हमारे जनप्रतिनिधियों की कमेटी बनी। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसका अभी परीक्षण होना है, अन्य लोगों से भी राय मशवरा करना है, और उसकी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारी जो जनप्रतिनिधियों की जो कमेटी है वो उसका परीक्षण करेगी, और परीक्षण के उपरांत ही कौन सा जिला रहेगा कौन सा नहीं रहेगा इस बारे में हम कह पाएंगे। आज की स्थिति में इतना ही कह सकते हैं कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट अभी हमारे पास आई है, उसका परीक्षण हो रहा है। धन्यवाद।